नमस्कार, मैं हूं दिव्या सिंह शर्मा, आप देख रहे हैं नॉट अ नेशन। आज इलेक्शन में जीत हासिल करने के बाद आइए आप कुछ सिख सपोर्टर्स से जानते हैं कि क्या है उनके मन में। तो बताइए कैसा लग रहा है, आखिरकार हैट्रिक हो गई, इतनी बार मोदी जी हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत की जीत हुई है, ये उन माताओं की जीत हुई है जिन्होंने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, ये उन बुजुर्गों की जीत हुई है जो इनको प्रधानमंत्री 70 साल से ऊपर को मुफ्त इलाज करा के देंगे, ये उन सबको आत्माशु की जीत हुई है। हाँ जी, आप बताइए कि बहुमत हासिल हुई है बीजेपी को, क्या चल रहा है आपके मन में? हमारे मन में बहुत खुशी है, मोदी ने बड़े अच्छे काम किए, लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया काम किया है। बोल दिया और भी जो बड़े छोटे साथ साथ के बड़े प्रोग्राम किए, ऐसे ऐसे काम किए मोदी जी ने, मोदी जी की उसकी काम से उसकी जीत से हमें बड़ी खुशी है। लेकिन क्या पार्टी को सहयोग करने वाली है, हमारे सिख भाई जो है उनके दिल में बड़ा प्यार है मोदी के लिए, और हमने कहा कि और भी आने वाले समय में मोदी प्रधानमंत्री बने और बनता ही रहना चाहिए। ऐसा कार्य करने वाला मोदी जैसा आदमी दुनिया में हमने कभी देखा है, देखा भी नहीं है, और ऐसा आदमी हमें और मन की और इतनी खुशी है कि मोदी जी ने जो काम किया है, आम आदमी का भी काम किया है, किसानों को लिए इतना बड़ा काम किया है। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मेरे बाद में राजस्थान जिले में कुछ थोड़ी सी जमीन है, तो लगातार होकर 6,000 रुपए मेरी 10 किस्त आई है, मेरे मोबाइल में मैसेज दे सकते हो, मोबाइल में 10 किस्तें डाली हुई है, 10 किस्तें 2,000 रुपए की 10 किस्तें मोबाइल में डाली हुई। मोदी जी काम कर रहे हैं और भी अच्छा काम करेंगे और करते रहेंगे, हमारे तो यही जिंदाबाद। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको जीतने के? हमको तो बहुत बढ़िया लग रहा है, हमें ये दिख रहा है कि दिन में बरसात हो गई, ये तो भगवान राजी हो गया, ये चीज आप भी देखो ना कितनी अच्छी हुई है। और मोदी जी ने जो काम किया है, चारों तरफ दिल्ली के बड़े बड़े हाईवे बनाए जो कि आज तक बना नहीं सकता था, और पब्लिक के लिए इतना सुख हो गया, 2 घंटे में अपने गांव जाता है, फिर 2 घंटे में अपने शहर में भी आ जाता है, तो खेती करके और फिर दिल्ली भी आ जाता है। हम खुद जा रहे हैं, हमारा अलवर जिला है, राजस्थान के रहने वाले, हम 2 घंटे में ओनली जाकर पहुंच जाते हैं, फिर सारा दिन अपनी खेती में काम करो, शाम को अपने घर आ जाते हैं। इतना बढ़िया मोदी ने काम किया है, इतना कोई आज तक तो प्रधानमंत्री ना बनाएगा करेगा ना बनेगा, जैसा प्रधानमंत्री ये है। बाकी लोग कहते हैं आम पार्टी फलाना पार्टी, आम पार्टी कुछ नहीं किया, आम पार्टी ने तो बुजुर्गों की पेंशन भी ना लगाई, और आम पार्टी ने जो बच्चे छोटे छोटे हुए उनके राशन कार्डों में नाम नहीं जुड़वाए। जब नाम नहीं जुड़ रहे हैं तो पब्लिक परेशान होगी नहीं होगी? होगी ना, ये मुख्यमंत्री का काम था, लोगों को हम कहते थे कि मुख्यमंत्री ये काम नहीं करा, कहते नहीं नहीं ये तो मोदी का काम है, मतलब जान बूझ के आंखों में धूल डाल दिल्ली को चलाने के लिए, ताकि मोदी पूरे भारत को बुलाएगा, और दिल्ली में साथ के साथ नहीं रहेंगे, दिल्ली में सातों सीट आई है, सातों सीट पक्का झूठ, जैसे पत्ता झूठ देते हैं ना पेड़ का, ऐसे सीटें आई है, ऐसे देखने लायक चीज आई है। आम आदमी को ऐसे थप्पड़ लगाए जैसे किसी ने देखा ही नहीं, अपने आंसू रोएगा बैठ बैठ के, और मैं पहले भी कहता रहा हूँ आम आदमी कुछ काम नहीं करता। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों कि कैसे समर्थक यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बारिश हुई है यहाँ पे, सब भीग गए लेकिन सेलिब्रेशन रुका नहीं है। तो इसी तरह नॉट अ नेशन आपके